सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम फिर से मिले एक और न्यू व्लॉग में। जैसा कि मैंने आज गोप्रो 11 लिया है, सो गाइस आज हम उसको उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि कैसा है वो। और सो गाइस आप सबको भी दिखाएंगे हम कि गोप्रो में कैसी क्वालिटी आती है। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंपेरिजन करेंगे। सो हम आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें फ़ोन में और गोप्रो में क्या फ़र्क है और क्या क्वालिटीज़ हैं। सो गाइस अभी हम अपने गोप्रो को ऑन करते हैं। सो अभी तक मैंने अपने गोप्रो को ऑन भी नहीं किया जब से लेकर आया हूँ। मेरा यही मोटिव था थोड़ा वेट करने का कि मैं वीडियो बनाऊँ ओपन करते हुए और आप सबको भी दिखाऊँ। जैसे कि हम न्यू गोप्रो बाय करते हैं तो उसको हम फ़ोन से कैसे फाइनली मेरा हीरो गोप्रो 11 और काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी इसको देखने की और मैं फाइनली इसको ओपन करने जा रहा हूँ। सो गाइस काफी वेट भी अच्छा खासा लगता है इसका, काफी मजबूत है और दिखाना होगा आपको। फाइनली इसके साथ काफ़ी एक्सेसरीज भी दिखाई गई है जो अभी हम आपको ओपन करके दिखाएंगे कैमरे को भी। ये इसके साथ माउंट किया गया है और ये इसका साथ है और ये बैटरी भी दी गई है इसके साथ में। तो गाइस इसके साथ ओनली एक ही बैटरी दी जाती है, जैसे कि 10 GoPro 10 में दो बैटरी दी जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही बैटरी मिल रही है क्योंकि मैंने ओनली तो कैमरा ही बाई करा था, कॉम्बो बाई नहीं करा। और इसके साथ एक ये डायरी दी गई है, ट्रिगर है जो कि हमारे काफ़ी काम आएगी और इसको स्कैन करना होगा। सब्सक्राइब टू GoPro जैसा देखना होगा, हैव टू प्रोटेक्ट। तो गाइस जैसे कि इसमें दिया गया है कि हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद। इसके लिए हमें अब आपको दिखाएंगे कि हमें इसे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस मैंने जैसा कि फाइनल ही इसके साथ में काफ़ी एक्सेसरीज भी ली है, आप सब लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ये मैंने अलग से परचेज़ करा है और मैं फाइनली लास्ट में आपको इन सब का रेट भी बताऊँगा। तो ये मीडिया मोड होता है इसका GoPro का, जो कि इसकी एसेसरीज में काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि हमें वॉइस वगैरह को हम वीडियो तो शूट कर लेते हैं लेकिन हमारी वॉइस में बेस्ट क्वालिटी के लिए मीडिया मोड आता है GoPro का। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेस्ट चीज़ होती है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है जब उसको लेना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको परचेज करना बहुत बेस्ट है क्योंकि जब हमने GoPro 11 लिया है तो मीडिया मोड की तो खास तौर से ज़रूरत होती है। तो गाइस और हमने एक ये छोटा सा एक गिम्बल लिया है नानजी कंपनी का और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जैसे कि इतना ही छोटा एक GoPro का भी आता है। और आप सब लोग देख सकते हैं कि इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हम इसको काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमें कैमरे को नीचे करना हो, साइड में करना हो, तो इस तरीके से हम काफ़ी परफेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब फाइनली है हमें इसको यूज़ करने के लिए, हमने एक अल्ट्रा का सैंडिस कंपनी का बेस्ट हमने 128 GB का मेमोरी कार्ड भी लिया, जो कि हमें इसके इंटरनल के लिए हमें कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे हम इस फ़ोन से यूज़ करते हैं तो हमारा काफ़ी स्टोरेज भी चला जाता है। तो गाइस इसी तरीके से हम इसको मेमोरी कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, हमारा स्टोरेज बचेगा और काफ़ी बेस्ट ऑप्शन दिया गया होता है इसमें मेमोरी कार्ड लगाने के लिए। सो गाइस अब हम फाइनल ही अपने GoPro को ओपन करके दिखाते हैं। सो गाइस इसमें अभी हमें अब ओपन करना होगा, यहाँ पे एक लॉक दिया गया होता है, जैसे ऐसे प्रेस करना होता है। सो
राइट, इसमें अभी बैटरी डालनी पड़ेगी हमें। राइट, फाइनली ओपन किया जाए। तो गाइस फाइनली ही इसकी स्क्रीन की क्वालिटी भी एक नंबर ही लग रही है मेरे को। और इसके लिए हमें अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं प्ले स्टोर में जाकर ये GoPro की क्विक ऐप को डाउनलोड करना होगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसको ओपन करना होगा। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें कैमरे को आगे बढ़ाना होगा, इसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और फिर इसमें यूजिंग GoPro अवेलेबल एग्री करना होगा। और एग्री करने के बाद हमें इसमें लोकेशन ऑन करने के लिए बताएगा, हमें लोकेशन को ऑन कर देना है। और ये इसमें क्विक ऐप को कनेक्ट करने के लिए बता रहा है, और यहाँ पे कैमरे को कनेक्ट करना होगा, ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा हमें इसके लिए। गाइस ये अब सर्च करने लगा है कैमरे को। तो फाइनली आपको दिखाएंगे, अब हमारा है GoPro 11 ब्लैक, तो इसको सिलेक्ट कर रहा है और फिर ज़ूम यहाँ से। सो गाइस इसमें कनेक्टिंग आ रहा है GoPro हीरो ब्लैक, और कनेक्ट करना है। सो गाइस फाइनली कनेक्ट हो चुका है हमारा कैमरा, और इस पर लेंस का कवर हटाना होगा। हमारी डिस्प्ले जो इसमें काफ़ी बेटर ऑप्शन दिया गया है, डबल डिस्प्ले दी गई है, जैसे हमें सेल्फी वगैरह लेनी हो सो फाइनली हम सेल्फी ले सकते हैं इसमें, इसलिए डबल डिस्प्ले को दिया गया है। और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसा कि हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। और आप सब लोग देख सकते हैं जैसा कि हमने इसको कनेक्ट किया अपने फ़ोन से, और हमें इसमें कोई वीडियो शूट करना हो और इससे फ़ोन में कनेक्ट होने के बाद हमारा कॉपी हो जाता है इस ऐप के अकॉर्डिंग। सो नेम इसका हीरो ब्लैक आ रहा है, हीरो 11 ब्लैक, और इसको सेव कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद इसको अपडेट करने का ऑप्शन आता है, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगता है। सो गाइस इसको अपडेट कर देना है, और अपडेट करने के बाद ये फाइनली हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। क्योंकि गाइस आज के टाइम पे जो कि फाइनल ही हीरो GoPro 12 आ चुका है, लेकिन हमें हमारा जैसा बजट था और हमें जो बेटर लगा, सो गाइज मैंने GoPro 11 लिया। तो गाइज आपकी दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे जैसे ही नेक्स्ट आएगा, और हम इसको अपडेट करते रहेंगे सो गाइज, और आपको दिखाते रहेंगे। अब हम फाइनल ही इसमें अब मीडिया मोड को अपडेट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि मीडिया मोड के क्या बेनिफिट है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमें मीडिया मोड अपडेट करने के लिए इसको पहले इसके लॉक को, हमें जो बैटरी का कवर होता है इसको हटाना पड़ता है। सो गाइस इसको हम पहले लॉक को हटाएंगे, और इसको हम थोड़ा दबाकर प्रेस करेंगे तो ये इजीली ही खुल जाएगा। सो गाइस ये इसको ढक्कन को हटाना ही पड़ता है मीडिया मोड को लगाने के लिए। तो गाइस इसको बिना हटाए ये मीडिया मोड यूज़ नहीं हो सकता है। तो गाइस हम फाइनल ही इसको इसमें अपडेट करने वाले हैं। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं इसका
जो ये मीडिया मोड होता है पूरा कवर के साथ दिया जाता है, और इसमें ये माइक दिया जाता है। सबसे बेटर चीज़ है कि इसमें आगे और पीछे दोनों साइड में माइक होता है, और इसके साथ भी हमें एक माउंट दिया गया है अलग से, जो हम अपने हेलमेट वगैरह में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसमें भी एक ये हमें स्क्रू का ऑप्शन दे दिया है, तो हमें अभी से फाइनल ही इसमें इंस्टॉल करना है और दिखाना है आपको कि इसमें क्या खास बात है मीडिया मोड में और क्या बेनिफिट्स है। तो पहले हमें इसको लॉक को खोलना होगा। सो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, हमें इसमें इस तरीके से जो इसमें जैक दिया गया है, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ये हमें चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है, और एक इसमें हमें एसडी कार्ड लगाना होगा, जैसे कि हमने एसडी कार्ड लिया है। तो फाइनली ही हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं इसमें। इस तरह से यहाँ पे हमें एसडी कार्ड को लगा देना है, और फिर हमें इसको मीडिया मोड में लगा देना है। तो गाइस इस मीडिया मोड से हमें काफ़ी बेनिफिट भी हैं, जैसे कि ये वाटर एडिशनल होता है, जैसे थोड़ा बहुत पानी को ये एग्जॉस्ट कर देता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको लगाने से, और काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होता है। और इसमें ये पावर स्विच दिया गया है, यहाँ पर दोनों स्विच दिए गए हैं, और इसमें प्लस पॉइंट थोड़ी और अपडेटिंग दी गई है, जैसे कि ये हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एक हमें यहाँ पर एक और हम अलग से माइक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे को मोटो ब्लॉगिंग में अलग से मैं एक माइक भी लगा सकता हूँ, जिसमें मैं मेरी वॉइस बेटर आएगी। और इसमें एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, और एक पॉइंट और दिया गया है, जैसे हमें फ़ोन से कनेक्ट करके कॉपी करना हो। तो गाइस काफ़ी बेटर ऑप्शन लगा मेरे को, और काफ़ी अच्छा भी लगा। इसमें प्रोटेक्ट भी है हमारा कैमरा, और इसमें एक ये इसके वॉइस जो बेटर रहे उसके लिए हमें इसका माइक का कवर दिया गया है, जिससे हमारी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इधर उधर की वॉइस नहीं अपडेट हो, तो इसके लिए हमें ये चीज़ दी जाती है। तो गाइस फाइनली हमने इसको पूरा इसमें इंस्टॉल कर लिया, और हमारे गिम्बल से ये देखो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं, और इसकी आप क्वालिटी को चेक करा रहा हूँ मैं थोड़ा आपको। गाइस आप सब लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है इसकी, और बहुत इसमें कंफर्टेबल रहता है। जैसे हमको कैमरे को नीचे लेना हो तो हम यहाँ से इसको लूज़ कर सकते हैं, और हम इसको जैसे मर्जी साइड में हमें जैसे भी एडजस्ट करना हो, जैसे हमें वीडियो शूट करना हो, तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अब इसका रेट बताता हूँ आप सबको। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने ये प्राइस क्यों नहीं बताया इन सबका। तो गाइस हमने फाइनली जो ये कैमरा बाय किया है, तो 35,000 का हमने कैमरा बाय किया, और गाइस ये मीडिया मोड जो हमने अलग से बाय किया है वो 7,000 रुपये का बाय किया, और ये हमने गिम्बल लिया है छोटा सा, तो गाइस 1,200 रुपये का गिम्बल लिया हमने। तो हमारा बेसिकली एसेसरीज के साथ सेटअप हमारा कंप्लीट हुआ है। तो गाइस आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी।